नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लकी फॉर मीटर। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज हम बात हैं हमारे पशुओं में अभी जो बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही, बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं कि हमारे पशुओं में हो जाता है और हमारे पशुओं को काफी दिक्कत हो जाती है हमारे पशु दूध भी कम कर देते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है पशुपालकों का और फिर हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है थनहैल रोग से। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें अन्य किसी भाई को, जिससे इस वीडियो के माध्यम से अन्य किसी पशुपालक को मदद मिल पाए। रामबाड़ इलाज बताने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा रामबाड़ इलाज बताने वाले हैं रोग का, जिससे आप का पैसा भी बचेगा और आपके पशुओं में जो थनहैल रोग हुआ है, इस प्रकार की बीमारी भविष्य में कभी भी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता होती है, इसमें मात्र तीन चीज बहुत जरूरी होता है, आपको आपके घरों में या फिर आपके आसपास ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, जब पहली चीज तो ये है कि एलोवेरा, जो कि हम अपने घरों में या आसपास गमले में लगे देखते हैं, एलोवेरा को निकाल लें, उसकी एक जो फली होती है उसको पूरे नीचे से काट लें। काटने के बाद इस तरह से काटें कि उसका जो पानी होता है वो पानी निकलने ना पाए। उसके बाद फिर उसको छोटी छोटी इकाई में अलग कर लें, छोटा छोटा काट कर उसे बांट लें। बांटने के बाद मिक्सर में डाल दें। डालने के बाद कम से कम अपने आवश्यकता अनुसार या फिर दो मुट्ठी हल्दी, देसी हल्दी जो आप अपने खाने में प्रयोग करते हैं, उस हल्दी को दो मुट्ठी उसमें डालने के बाद 15 ग्राम का जो चूना आता है खाने वाले पैकेट में, जो चूना आता है 15 ग्राम का, उसे निकाल लें। निकाल कर एलोवेरा, हल्दी और चूना तीनों से मिक्सर में खूब अच्छी तरह से तीनों को मिला दें। जब आप मिला देंगे तीनों को खूब अच्छी तरह से, तब मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक पेस्ट तैयार होगा, वो कि एकदम लाल सा, जैसे कि ईंटा होता है, ईंट होती है जो घरों में लगाई जाती है, ये तैयार होगा। आप उसे अपने पशुओं का दूध पूरा निकाल लें। निकालने के बाद फिर उसके थन को खूब अच्छी तरह से पानी में धोएं, पानी से खूब अच्छी तरह से उसके थन को धोएं। धोने के बाद फिर आप जो पेस्ट तैयार हुआ है, एलोवेरा, हल्दी और चूना, ये तीनों का जो पेस्ट तैयार हुआ है, इसको लगाकर खूब अच्छी तरह से आप अपने पशु के जो थन होता है, जो उसकी लोटी होती है, उसमें खूब अच्छी तरह से मसाज करें। कम से कम 2 मिनट ईमानदारी से, 2-3 मिनट तक आप उसे प्यार से हुए मसाज कर दें, खूब अच्छी तरह कर दें। जैसे ही आप 5 या 6 दिन लगातार इस प्रकार इस नुस्खे को करते हैं और ये अपने पशु को लगा, आप खुद ब खुद देखें कि आपके में जो थनहैल रोग हुआ है ठीक एकदम ही हो जाएगा। 100% गारंटी है आपका पशु एकदम से स्वस्थ। यदि ऐसे ही करते रहे महीने, 2 महीने, हफ्ते में आप अपने पशु को इस बनाकर ध्यान देना है कि बाद में सिर्फ बार की दवा बनाएं और लगाने के बाद अगली बार बनाना हो उसे बना लें, क्योंकि इस दवा को रखे ना तार मतलब कि ऑटोमेट आपका पशु सही हो जाएगा। आपके पशु में कोई दिक्कत, कोई वीडियो समझ में आया है तो भीतर कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, हमारे कमेंट बॉक्स अपनी राय दें, अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें। वाचिंग वीडियो।